अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, आप खैरियत से होंगे। मेरा भाई, मेरे को बहुत से लोगों ने कमेंट्स करे हैं, बहुत यानी कि कमेंट्स भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं कि काशी भाई, आप जिस जगह खेलते हो उसका नाम कन्फर्म बताओ, कन्फर्म सेटिंग बताओ कि वो कौन सी जगह है कन्फर्म जो है, ठीक है ना। तो आज मेरा जो टॉपिक है, इंशाल्लाह इसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो। मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं किस जगह पर खेलता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं ये और भी व्लॉग बनाऊंगा, हर जगह का व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं जिस जगह पे खेलता हूँ, जिस जगह से मैं घिसर मारता हूँ, उसका नाम है सोफे वाली, ठीक है। अब मैं सोफे वाली का आपको बताऊँ लॉजिक, वो नाम कैसे पड़ा, किसने नाम रखा, वो कब इजाद हुआ, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। मज़र भाई हैं हमारे, बहुत पुराने यानी कि यहाँ की इनकी दुकान है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इनके वालिद साहब, वैसे सही मानों में इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह से बहुत इन्फॉर्मेशन है उनकी, आजकल उनकी तबीयत सही नहीं है। तो आज ये यानी कि मज़र आपको बताएगा उस जगह की सही लॉजिक, ठीक है। और फिर मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ, ठीक है व्यूज। अब इंशाल्लाह मैं निकलता हूँ जगह की तरफ और मज़र से आपकी बात कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो व्यूज़ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, वो देख सकते हैं आप। ये मज़र का हिसाब किताब है, पहले भी वीडियो में आप देख चुके हो माशाल्लाह से मज़र को, उनके वालिद साहब की भी देख चुके हो दुकान, और ये इनका भाई भी छोटा बैठा हुआ है, ठीक है। ये माशाल्लाह से बहुत पुरानी दुकान है यहाँ की, बहुत पुराना शॉप है, ठीक है। और यहाँ से बहुत मैंने चारा वगैरह लिया, हम छोटे छोटे से थे, इनके वालिद साहब से लेते थे, और ये भी छोटा था, ये भी हमारे बराबर का ही है, वालिद साहब बहुत पुराने। तो आज मज़र आपको बताएगा। मज़र, जिस जगह पर हम लोग खेलते हैं उस जगह का नाम क्या है? उसका नाम भाईजान सोफे वाली है। अच्छा, उस जगह का नाम सोफे वाली, कैसे पड़ा उसका नाम? उसका नाम ऐसे पड़ा कि किसी दौर में गुल्ले नाम का शिकारी होता था। हाँ, बहुत मशहूर है वो माशाल्लाह, काफ़ी मशहूर शिकारी, अभी तो इंतकाल कर गया है वो। हाँ, तो वो वहाँ पे खेलता था, तो लोग सुबह सुबह आते थे, वो वहीं पे लेटा रहता था उन्हीं पत्थरों पर। तो लोग बोलते थे कि क्या सोफ़ा बना के लेटा है, तुम्हारा घर बार नहीं है, तुम इधर ही पड़े रहते हो। तो फिर उस नाम का नाम, जगह का नाम पड़ा गया था सोफे वाली। तो पुराने जो भी शिकारी हैं वो सोफे वाली नाम से उसको जगह को जानते हैं। आजकल के शिकारी जो हैं, नए नए नाम उन लोगों ने निकाला है कि उसको प्लांट बोल रहे हैं। नाम उसका सोफे वाली, गुल्ले ने ईजाद किया था। सही मानों में जो उसका जो मैन्युफैक्चर है वो गुल्ला है, वो गुल्ला उस्ताद को तो सभी जानते हैं माशाल्लाह, चैंपियन है यहाँ का, रह चुका है, अल्लाह पाक उसकी मफरत करे, बहुत अच्छा खिलाड़ी था वो, बेशक बेशक, बहुत शागिर्द हैं उसके माशाल्लाह से गुल्ले उस्ताद के। तो व्यूज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, पक्की इन्फॉर्मेशन आपको उस जगह की मिल चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, ठीक है, आपको पूरी अपडेट वहाँ की दिखाता हूँ, पूरी लोकेशन दिखाता हूँ आपको, ठीक है व्यूज़। अब मिलते हैं इंशाल्लाह जगह के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो व्यूज़ आप देख सकते हैं, ये मैं इस जगह पे आ गया हूँ। मैं आपको जगह बताऊँ, ये आखिर का होटल है, ठीक है। ये इमरान का होटल कहलाता है, ठीक है। ये इमरान का होटल है और इसके बिल्कुल ये आया हम, ये आया और ये मेन रोड के ऊपर ही हूँ मैं, देख सकते हैं आप, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और यह पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बीच में ही जगह मिलेगी हमारे को, ठीक है। और आगे ये इनका वाटर प्लांट है, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंदर ये जगह है, इसको कहते हैं सोफे वाली, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये रोड है, पूरा रोड की लोकेशन देख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हमारे सब किराएवाले भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको सही तरीके से आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। भी उस करीब जाके आपको सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से बताता हूँ कि इसका सोफे वाली नाम क्यों पड़ा, ठीक है। और ये गुल्ले उस्ताद ने इसका नाम रखा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इस जगह पे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने यहाँ पे जाल भी चलाया है, ठीक है। तो मुझे बोला था कि लोगों ने, क्योंकि मैं प्लांट भी बोल रहा था इसको, कि ये लोग प्लांट भी बोलते हैं, मैं भी प्लांट बोल रहा था। लेकिन आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको सही चीज़ बताऊँ कि इस जगह का सही नाम क्या है, ठीक है। आप गौर से देख सकते हैं, देखें ये पत्थर कितने खूबसूरत बने हुए, देखो इसी जगह पर मैंने घिसर निकाले थे, आप पीछे की मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके, उसमें मैंने इस जगह पर यानी कि घिसर निकाले, इस जगह तक खड़ोगे आप, ये देख सकते हैं व्यूज़, ये पत्थर कितना प्यारा पत्थर है, इस पे बंदा आराम से लेट सकता है। तो जो गुल्ला उस्ताद है वो जगह पे आके मतलब लेटता था और खेलता था यहाँ पे, तो लोग उसको बोलते थे यार कैसे लेटे वो, सोफे पे लेटे वो, क्या ये सोफ़ा है। तो इसी तरीके से गुल्ला उस्ताद ने इसका नाम सोफी वाली रखा था, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इस जगह से मैंने बहुत घिसर मारे हैं और ये वही जगह है, देखो कितनी बाहर निकली हुई है पानी से। इस जगह पे मैं ऊपर खड़े होकर भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो, यहाँ पे मछली भी मारी है, कासम मेरे साथ आया था, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह सब शिकारी खेल रहे हैं, यहीं से आजकल मैं घिसर मार रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं सोफे वाली, देखो ये पत्थर ऐसे बने हुए ना, देखो ये कितना प्यारा बना हुआ, सोफे की तरह बना हुआ, ठीक है। अब आगे का भी दिखाता हूँ आपको,
ये देखें आप, ये पत्ता देखो कितना प्लेन बना हुआ है, VIP जैसे जैसे सोफ़ा रखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक सोफ़ा भी पड़ा हुआ था टूटा फूटा ना, तो उससे भी यानी कि इस वजह से रख दिया गया था। ये देखें आप, ये पत्थर आप देख सकते हैं कितने प्लेन पत्थर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ वीडियो में, यहाँ हम आग जला के बैठे हुए, ठीक है। तो आगे आप ये देख सकते हैं फैमिली वगैरह भी आई हुई है, ठीक है। तो ये है वो जगह, इसको कहते हैं मेरा भाई सोफ़े वाली, गुल्ले उस्ताद की मशहूर जगह। गुल्ले उस्ताद ने इसका नाम ईजाद किया था, और ये ईजाद किया था तकरीबन 2001 में या 2002 में। अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे, ठीक है, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे, उनको बख्शे। बहुत अच्छे एंगलर थे और बहुत नामी गिरामी एंगलर थे, सब लोग उनके शागिर्द ही हैं, क्योंकि हम भी उनको देखते थे खेलते हुए, काफ़ी चीज़ें उनसे हमने सीखी हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरी लोकेशन, ठीक है व्यूज़, ये देखें आप, ओके, वो देख सकते हैं रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। पूरी लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। इस जगह को कहते हैं सोफ़े वाली, ठीक है, ओके। चारों तरफ से मैं आपको दिखा दूँ, वो देखो लांचे वगैरह चल रही हैं। वो वीडियो मेरी, हर वीडियो में मैंने दिखाया आपको, तो आज आपको मैं बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ कि इस जगह का नाम है सोफ़े वाली, ठीक है। प्लांट भी बोलते हैं, असल नाम है इसका सोफ़े वाली, ओके। अच्छा तो व्यूज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा भाई लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं इस यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे यानी कि देता रहूँगा, मैं आपको जगहों को ये बताता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी भैंस वाले खड्डे की बनाऊँगा, ठीक है, कि ये भैंस वाला खड्डा किधर है और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे उसका नाम रखा गया और किस तरीके से वो सेटिंग पे आया, ठीक है। और फिर एक पाँच पत्थर भी है, और भी बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं सारी जगहों को आपको दिखाऊंगा और अपडेट दूंगा, वहाँ की गेम भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए, कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको आगे की भी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ हर जगह का। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ वहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँगा और वहाँ का खेलने का तरीक़ेकार भी बताऊँगा, और इंशाल्लाह लाइव मछली भी निकाल के दिखाएंगे वहाँ से इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा भाई, आप लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हैं मेरे को, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे मेरा भाइयों, आप लोग की मेरे को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर बस मैं यही बोलता हूँ, मेरा भाई मेरी वीडियो पूरी देखें, आखिर तक देखें। अच्छा तो व्यूज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी भैंस वाले खड्डे की, ठीक है, क्योंकि उसके भी बहुत कॉमेंट्स आए, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है काशिफ भाई ये भैंस वाला खड्डा है कहाँ और किधर है क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो भैंस वाले खड्डे की बनाऊंगा, ठीक है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो भैंस वाला खड्डे का नाम किस तरीके से पड़ा और किसने रखा और कैसे हुआ, पूरी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा और जगह भी दिखाऊंगा और वो खड्डा भी आपको दिखाऊंगा जिस खड्डे के अंदर वो यानी कि मौजूद, मतलब जो जिस वजह से वो नाम पड़ा है, किस तरीके से पड़ा है, क्या हुआ है, सब उसकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ मैं, आपको उसकी मालूमात देना भी वाला हूँ। बाकी ये है कि मेरी और भी वीडियो भी मौजूद है, नए जो एंगलर आए हैं उनके लिए, वो भी मुझसे पूछते रहते हैं, बार बार कमेंट्स करते रहते हैं, काशिफ भाई यार वो चाइना पोर्ट का और क्या नाम है अपना चाइना पोर्ट के रास्ते के बारे में जो वीडियो हैं और क्या नाम है अपना चाइना पोर्ट की जो वीडियो हैं वो कैसे पता करें। तो मेरा भाई उसका बिल्कुल आसान तरीका ये है, आप नीचे चले जाएँ, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते तो फिर आप एक काम करें, आपको नीचे नज़र आ रहा है लिखा हुआ ये अपना सोफ़े वाली दो दरिया पे, ये नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आप ये देखें, आप इसको बटन दबाएं, आप इस पर जैसी बटन दबाएंगे ना आप, तो नीचे आपको नीले कलर की लिंक नज़र आएंगी, ठीक है। तो आप नीले कलर की लिंक को आप दबाएं तो इंशाल्लाह आपको यानी कि मैं उसमें नाम भी लिख दूँगा, ठीक है ना, उसमें नाम भी लिखा हुआ होगा जो जो जगहों का है ना, तो उसके नाम भी लिख दूंगा लिंक के अंदर, उसी कलर के आप लिंक दबाएं और डायरेक्ट जाके वैसे भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे मुझे भी चलाना नहीं आता था भाई मोबाइल, तो अपनी तरह ही बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था डिस्क्रिप्शन क्या होती है क्या नहीं होती है, तो इसी तरीके से यानी कि मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरी तरह लोग हैं वो इस बटन उसको दबाएँ और दूसरी यानी कि वीडियो देखें मेरी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।